एकादशी तिथि हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए चंद्रमा का 11वां दिन है। यह तिथि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में होती है और इसमें विशेष रूप से ईश्वर का पूजन किया जाता है। हिंदू पूजा पाठ और अनुष्ठानों को करने के लिए यह एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यदि आप इस दिन सत्यनारायण की पूजा का आयोजन घर में करती हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम अनुरोध करेंगे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण का अनोखी लीला कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित शौनकादि ऋषि श्री सुत जी से सवाल किए, इस आने वाले कलयुग की जीवात्माओं को किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होगा। यह सुन श्री सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो प्रश्न पूछे, यही एक बार श्री नारद मुनि भगवान नारायण से बैकुंठ में पूछे थे। तब लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को एक बहुत सरल व्रत के बारे में बताए थे, जो आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। हुआ यह था कि सारे लोकों में घूमने के बाद जब नारद मुनि पृथ्वी पर गए, तब अलग अलग योनियों में जीवात्माओं को कष्ट पाते देख उनको बहुत पीड़ा हुई और उसी समय निर्णय लिया भगवान से पूछने का। नारद जी के प्रश्न सुन भगवान श्री हरि बोले, एक ऐसी व्रत के बारे में जिससे मनुष्य की कल्याण होने के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति भी हो जाता है, साथ ही साथ कोई भी मनोकामना भी पूरी होती है। इस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। यह सुन नारद जी इस व्रत के विधि और फल के बारे में भगवान से पूछे और तब श्री हरि बोले, इसे शाम के समय अपने परिजन और ब्राह्मणों के साथ निष्ठा पूर्वक पालन करनी चाहिए। नियमानुसार भोग लगाकर सबको प्रसाद देकर खुद को भी प्रसाद पानी चाहिए। इसके पश्चात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति की यही एक सरल मार्ग है। इसके बाद श्री सूद जी उस व्यक्ति के बारे में बोले जिन्होंने पहली बार इस व्रत का पालन किया था। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा के लिए दर दर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि एक दिन स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए और फिर ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण व्रत करने की विषय में बताए। इसके पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस व्रत को करने की संकल्प लेकर वो गरीब ब्राह्मण जब भिक्षा करने अगले दिन सुबह निकले तो उस दिन उनको आशातीत भिक्षा मिला और उसी धन से फिर पूजा का सामग्री खरीद कर ब्राह्मण अपने परिजनों के साथ व्रत किया। उस दिन के पश्चात उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई और अपना पूरा जीवन खूब सारे धन धान्य में बिताए। अपने जीवन काल में हर महीने वो ब्राह्मण इस व्रत का पालन किया करते थे। अब शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से पूछे, उस ब्राह्मण को देख संसार में और किस किसने इस व्रत का पालन किया। सूत जी बोलने लगे, एक बार जब उसी ब्राह्मण के घर पे श्री सत्यनारायण व्रत का आयोजन चल रहा था, तब एक बूढ़ा लकड़हारा आया और लकड़ी रख के ब्राह्मण के घर में प्रवेश किए। लकड़हारे ने ब्राह्मण से इस पूजा के बारे में पूछे तो ब्राह्मण बोले, आज उनकी जीवन से दरिद्रता दूर होने के पीछे का यही व्रत है। यह सुन लकड़हारे ने भी मन ही मन संकल्प लिए और उस बार धनी लोगों की नगरी में गए लकड़ी बेचने और उनको 4 गुना ज्यादा दाम भी मिला। अब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवारों के साथ मिलकर लकड़हारे ने सत्यनारायण व्रत का पालन किया और पूरे जीवन अपार सुख संपत्ति भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम चले गए। अब दूसरी कथा आते हैं। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक परम सत्यवादी और दयाशील राजा हुए, जो रोज मंदिरों में जाकर गरीबों को दान देकर उनका कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी भी बहुत साध्वी थी। एक बार राजा और रानी भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर श्री सत्यनारायण व्रत कर रहे थे पुत्र कामना की इच्छा से। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया और राजा से इसके विषय में पूछने लगा। तब राजा साधु को सब बताए, क्योंकि साधु का भी कोई संतान नहीं था।
तो मन में इस व्रत का संकल्प लेते हुए साधु घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती से सब कुछ बोले और यह निश्चय किया कि जब उनका संतान होगा तब श्री सत्यनारायण व्रत रखेंगे। यथासमय भागवत कृपा से एक कन्या संतान का जन्म हुआ और माता पिता नाम रखे कलावती। दिन बीतते गए। एक दिन लीलावती ने अपनी पति को सत्यनारायण व्रत का याद दिलाए तो उनकी पति ने बोला कि वो अपनी कन्या की विवाह में यह व्रत अवश्य रखेंगे। धीरे धीरे कलावती बड़ी हुई और एक दिन नगर में सखियों के साथ विचरण करती हुई अपने बेटी को देख साधु तुरंत दूतों को बुलाए और योग्य वर ढूंढने को भेजे। फिर कंचन नगर से एक अच्छा पात्र के साथ साधु अपनी बेटी का विवाह दे दिया, लेकिन उस समय भी सत्यनारायण व्रत को नहीं निभाए। साधु को अपना गलती का एहसास कराने के लिए भगवान इस बार लीला की। जब साधु अपने दामाद के साथ मिलकर समुद्र में जाकर चंद्रकेतु राजा के यहाँ व्यापार करने लगे, तब एक दिन भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भागने लगा। चोर ने अपने बचाव के लिए सारा धन वहां रख दिया जहां साधु और उनका दामाद रुका था। सेनाओं को जब वो धन मिला तो उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गया और राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास मिला। सारा धन छीन लिया गया। उधर साधु की पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ। घर का बचा धन भी चोर लेकर भाग गया। अन्न जल न होने के कारण भूख प्यास से विचलित कलावती उस ब्राह्मण के घर गए और वहाँ श्री सत्यनारायण का पूजा होते देखी। उस व्रत के बारे में जानकर उसी रात लीलावती प्रसाद पाकर घर लौटी और अपनी माँ को सारी बात बताई और विलम्ब न कर लीलावती पूजा की तैयारी करने लगी और फिर सबके साथ मिलकर व्रत का पालन की, साथ ही साथ भगवान से अपनी पति और पुत्र का सलामती मांगी। भगवान इस भाव से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में आकर साधु और उनकी दामाद को मुक्त कर देने का आदेश दिए। सारा धन भी वापस करने को बोले। अगला सुबह राजा उन दोनों को मुक्त कराए और माफी भी मांगी। बनिक पुत्रों को खूब सारे वस्त्र और आभूषण दिए और छीना हुआ धन को दुगना कर वापस किए। फिर ससम्मान विदा किए। अब जब वो दोनों नगर की तरफ जा रहे थे तो भगवान एक दंडी देश साधु का रूप लेकर सामने आए और पूछने लगे कि नौका में क्या है। यह सुन अहंकार भरी वाणी के साथ साधु बोले, क्यों दंडी, तुझे क्या धन चाहिए? इसमें बिलपत्र आदि है। साधु की कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा बोल कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। अब नित्य क्रिया संपन्न कर जब वो दोनों नौका के पास आए तो उसमें बेल पत्ता का पहाड़ देख मूर्छित हो गए। होश आते ही उनके दामाद बोले, यह दंडी साधु का श्राप है और हमें उनके शरण में जाना चाहिए। दामाद की बात सुन साधु अब विनम्रता पूर्वक भगवान से क्षमा मांगे तो भगवान बोले, मेरे ही माया से बार बार तुम दोनों को दुख मिलता रहा। साधु रोकर भगवान की चरण में गिरते हुए बोले, ही प्रभु, कृपा कर मेरा धन मुझे वापस कर दीजिए। मैं इस बार अपने समर्थ अनुसार अवश्य व्रत करूंगा। साधु की भक्तिपूर्ण वाणी से भगवान प्रसन्न होकर सारा धन वापस कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण साधु और उनके दामाद मिलकर नाव में ही सत्यनारायण पूजन कर नगर की तरफ वापस जाने लगे। नगर में पूछते ही साधु कुछ दूत को भेजे अपने परिवार तक खबर पहुंचाने के लिए। दूत जब लीलावती को सब कुछ बताए तो अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी बेटी के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा की और फिर पूजा को संपन्न कर कन्या को आने के लिए बोलकर खुद पति से मिलने चली गई। उधर पति के आने की खबर सुन कलावती बिना प्रसाद पाए मिलने चली गई। प्रसाद की अवहेलना होने के कारण भगवान कलावती की पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। डूबती नव देख जब कलावती रोने लगी तब साधु भगवान से प्रार्थना किया और बोले, अगर मेरे परिवार की द्वारा कोई भूल हुई हो तो प्रभु क्षमा करे। भगवान तुरंत प्रसन्न होकर आकाशवाणी की और बोले, अगर उनकी बेटी घर जाकर प्रसाद पाकर आएगी तो उनकी पति फिर से वापस आ जाएगा। यह सुन कलावती प्रसाद पाए और पति से आखिरकार मिली। और एक कथा आते हैं जहां तुंगध्वज नामक एक राजा एक बार वन में शिकार करने गए। उधर वट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वालों को परिवार सहित भक्ति भाव से सत्य नारायण की पूजा करते देखा। फिर भी अभिमान वश राजा ने भगवान को देख कर भी दंडवत नहीं किया और तो और पूजा स्थान पे भी नहीं गया।
फिर ग्वालोन राजा को जो प्रसाद दिए वो भी नहीं पाया और अपनी नगर को चला गया। फिर नगर पहुँच कर राजा देखा सब कुछ तहस नहस हो रखा है तो समझ गए यह भगवान का क्रोध है। उसी क्षण राजा वही स्थान पे वापस गया और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद भगवत कृपा से लंबे समय तक सुख भोगते हुए स्वर्ग गमन किए। सूत जी बोले, अब जिन्होंने यह व्रत किया उनके दूसरी जन्म का कथा सुनो। ब्रज सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान की प्राप्ति की। लकड़हारे ने निषाद राज बनकर श्री राम को पाए। उल्कामुख राजा दशरथ बन भगवत धाम गए और साधु ने भी मोक्ष की प्राप्ति की। कथा विश्राम हुई।